शीट नंबर 166 हम कर रहे थे, इस शीट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। ये रहा 10th शीट पे, इस क्वेश्चन को नहीं किया था हमने। देखो इसके अंदर आपको एक ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन है। इस पीवी ग्राफ के अंदर आपको ये गिवन है कि ए से लेके बी तक प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व गिवन है। आपको इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है। वैसे तो ये क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में इसका आना हाफ आना मुश्किल है। मैक्सिमम टेम्परेचर तो नहीं, पर टेम्परेचर तक आ सकता है। आप ये देखें कि टेम्परेचर कैसे निकाला, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम मिनिमा लगेगा, वो मैथ्स वालों को ज्यादा आता है। तो पी और वी ग्राफ को देखते हुए टी कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखें। इसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैथ्स में सिखाया जाता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, याद करनी है मेडिकल वालों को। इसके अंदर वाई एक्सिस में क्या है प्रेशर, पी पी। एक काम करेंगे, इसके नीचे लिखें x1 y1, इसमें लिखें x1, इसके नीचे x1 y1, और इसके नीचे लिखें x2 y2, x1 y1, x2 y2, राइट। मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, एक x1 y1 एक x2 y2, कोई भी ले लें, चाहे ऊपर को x1 y1 ले लें तो भी चलेगा, एनीथिंग। तब आपने क्या करना है, y एक्सिस में क्या चल रहा है पी, y1 की जगह क्या पुट किया पी पी नॉट, y2 की जगह क्या पुट किया 2p0, y1 की जगह p0, x2 x1 पता है, x एक्सिस में क्या चल रहा है v, x1 की जगह 2v0। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मेडिकल के लोग समझ लें। तो इसको सॉल्व किया तो ये टर्म आई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आई, और सिंप्लीफाई किया तो p0 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ v। मतलब इस लाइन को देख के हमने और पी और वी का मैथमेटिकल रिलेशन निकाल दिया, पी और वी कैसे कैलकुलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। पर हमें तो टेम्परेचर टी निकालना है। अब हमें पता है पीवी क्या होता है एनआरटी, पी क्या होगा एनआरटी बाई वी, इसकी जगह यहां पुट कर दे एनआरटी बाई वी, सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को देख के पी और वी का रिलेशन निकाला, फिर गैस की इक्वेशन से कैसे पी को एलिमिनेट करके टी लेके आए। यहां तक तो चलो मेडिकल तक वालों को आना चाहिए। नॉन मेडिकल वालों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा टी तो निकाल लिया आपने, आपको मैक्सिमम टी निकालना है। मैक्सिमम किसी भी चीज को करना है तो उसको डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो, तो आपने इसमें टेम्परेचर को मैक्सिमम करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करें ताकि जीरो आ जाए, जो भी इसमें वेरिएबल चल रहा है, कौन चल रहा है वी, तो विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट करें इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहां पर टी की जगह पूरी वैल्यू को पुट किया, डिफरेंशिएट किया v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v, और dv by dv क्या होता है 1, सॉल्व करके आपके पास v आ गया। इतने वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर मैक्सिमम आएगा, इस वॉल्यूम को यहां पुट किया ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो आया वो मैक्सिमम आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। मेडिकल में तो खैर इतना बड़ा नहीं आएगा कि वो कैलकुलेटर यूज कर ले, बट हाँ एक टेक्निक आनी चाहिए कि पी और वी को देख के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के हम कैसे टी में जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे किया इसे, तो लाइन की क्वेश्चन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने दोनों कर लिए थे, इस ग्राफ में 4 मिलीमोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, और हैविंग आइसोथर्मल टेम्परेचर 300 और 600 केल्विन। ये आइसोथर्मल है 600 केल्विन, ये गिवन है 300 केल्विन, और यहां पर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन तो जीरो है, इसका वर्क डन भी जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कह रहे इसके अंदर टोटल वर्क डन पूरे साइकिल का ये है, एक्स बताओ क्या होगा। एक काम करो आप भी वर्क डन निकाल लो इसमें,
फिर इसके वर्क डन के साथ कंपेयर करके एक्स निकाल लेंगे, तो इन दोनों लाइंस का वर्क डन तो जीरो है, तो पहले ए से बी का वर्क डन निकालते हैं। ए से बी के वर्क डन वन मोल एन मोल के लिए एन आर टी वन, टेम्परेचर कितना टी वन, और रूल क्या था फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल, फाइनल क्या है इसमें वी नॉट, इनिशियल क्या है टू वी नॉट। उसी तरीके से यहां का वर्क डन क्या होगा एन आर टी टू, फाइनल वॉल्यूम कितना है टू वी नॉट, इनिशियल कितना है वी नॉट। तो यहां से ये हाफ हो गया, ये टू हो गया, टू रेज टू पावर माइनस वन, तो माइनस वन बाहर आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये टर्म आ गई, कॉमन निकाल लिया टी टू माइनस टी वन, टी टू पता है टी वन पता है, नंबर ऑफ मोल्स 4 मिली मोल गिवन है, सॉल्व करके वैल्यू आ गई, इसके साथ कंपेयर किया तो एक्स कितना आ गया 6 आंसर। ठीक, तो वर्क डन निकाल लें, उसको कंपेयर करें आंसर आएगा। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।